देवसी भाई जो है इनके साथ में पढ़ा हुआ भाई लोग कहते हैं और मुझे अच्छा मुझे मतलब कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता और कहते होंगे मेरे को। ओके सो वेलकम बैक टू अगेन विद न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह से और एक यूनिक पैलेस से हो रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बताया नहीं कि कहाँ पे आया अपन, तो अभी मैं आपको डिस्कस सारा कुछ करूंगा कि अपन कहाँ पे आए हैं। तो फिलहाल ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये एक बस स्टैंड है, मतलब कोई लोकेशन नहीं है। ट्रेवल किया है कल रात से, मतलब 4 से 5 घंटा अपन ने ट्रेवल किया है एंड अभी फाइनली अपन पहुंचे हैं। एंड मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। वैसे आपको पता पड़ गया होगा थंबनेल और टाइटल देख के कि क्या होने वाला है आज के व्लॉग में। बस स्टैंड से बाहर आए एंड सीन आपको दिख रहा है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, जस्ट ये बस स्टैंड है। देन मैं पहली बार आया हूँ सुमेरपुर। इतना सुपरस्टार देवासी भाई से अपन मीटअप करने वाले हैं आज के व्लॉग के अंदर। वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन मुझे प्रॉपर एड्रेस मालूम नहीं था, फिर मैंने थोड़ा बहुत पता किया कि भाई जो ये आपको बस स्टैंड दिख रहा है ये सुमेरपुर, इसके आसपास पता नहीं कोई गांव है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पता नहीं कौन सा गांव है। देखते हैं क्या सीन है। अभी जस्ट अपन सीधा जाएंगे चाय पीने, बिकॉज भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। देन चाय भी नहीं पी, नींद जो है वो आंखों के अंदर है क्योंकि पूरी नाइट जो है अपन सोई नहीं है। आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट हो पाऊँ और नेक्स्ट व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। मिलते आपसे एक चाय की चुस्की के बाद में बाकी सारी बातें कर। सोई आपको बताया नहीं कि दीपक भी अपने साथ में है, तो दीपक को मैंने अर्जेंट में कॉल किया, मैंने भाई तू भी चल यार, मैं अकेला कैसे क्या करूँगा। चाय में मजा आया यार रोजी, इसलिए दो बार पी रहा हूँ। क्या नाम है आपका? लाल जी की चाय यहाँ पे सुमेरपुर की जरूर टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनाते हैं। यहाँ पे पोहे मिले अपने को, पोहे खा लेते भाई। भाई नमकीन मिलेगी ना? नमकीन नहीं मिलेगी, पापड़ी डाल दूंगा। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा ही, भाई कोई नाश्ता वाला मिले। पकवान नहीं मिल सकता भाई इधर तो? अभी तो अपन ने अभी थोड़ी सी पेट पूजा कर ली है एंड थोड़ी सी एनर्जी अपने साथ में आ चुकी है। देन अभी अपने को यहाँ से जाना है राजपुरा, किसी से मैंने कंफर्म किया तो राजपुरा भी दो है, पता नहीं बस आती है नहीं आती है, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं पड़ रहा। मिलने के लिए अपने को राजपुरा जाना पड़ेगा। देन यहाँ से राजपुरा है 20 किलोमीटर। आप क्या ले रहे हो पर किलोमीटर? किलोमीटर पे हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग, राजपुरा जाना अंकल? क्या किराया लो? 400 रुपये। मतलब 20 किलोमीटर यहाँ से, मतलब जितना किराया अपने को घर से आने में यहाँ तक का नहीं लगा, उससे कई ज्यादा किराया जो है वो ऑटो वाले मांग रहे हैं। सुपरस्टार देवासी जो भाई है वो राजपुरा रहते हैं, तो देखते हैं राजपुरा यहाँ से जाएंगे कितना। अपन को राजपुरा के लिए अंकल लेके जा रहा है, अंकल को सारा एड्रेस पता है। पहले कहाँ पे जाएंगे अंकल? पहले जाएंगे बलाना जाएंगे एंड बलाना, बाकी सारा कुछ जो भी है वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है लेकिन अंकल को ज्यादा पता है एंड अंकल यहाँ के लोकल ड्राइवर है। बलाना जाना, पता नहीं कौन कौन से गाँव है, ऐसे ऐसे यूनिक गाँव के नाम है की पता भी नहीं पड़ रहा है की क्या सीन है। अंकल अभी डीजल भराएंगे, अंकल ने अभी डीजल भरवा लिया है, निकल चुके हैं वापस राजपुरा की तरफ। और भाई ऐसा नहीं कहीं निकल जाओ है, तो इस वजह से फटाफट जा रहा है। कोशिश करूंगा कि मैं उनकी फैमिली से मिला पाऊँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे रोज देखते हैं लेकिन आज आपको दिखेगा सुपरस्टार देवासी भाई रियल लाइफ में कैसे भाई रहते हैं, कैसा भाई का घर है जो भी। देवासी भाई के गांव के अंदर अपन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको देवासी भाई की फोटो वगैरह दिखा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में देवासी भाई का घर सब जानते हैं लेकिन पता नहीं है ज्यादा कुछ। इतना डर लगा रहा है कि शायद मिल पाएगा नहीं पाएगा, वो सब कुछ देखते हैं। घर की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं है कि मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। अंकल को बोल रहा हूँ मैं आप रुक जाओ क्योंकि यहाँ पे वापस जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंकल जो है पता नहीं मानने को तैयार नहीं है। अंकल बोल रहे हैं मुझे वापिस जाना है और हम वापस कैसे जाएंगे पता नहीं, जो भी है देखते हैं अब क्या होता है घर। अब देखते हैं कौन सा घर है, किराए का लफड़ा हो रहा है और छुट्टे और नहीं मिल रही है, अंकल के पास छुट्टे नहीं है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, साथ में चल रहे थे और बाहर है वो तो आया तो अपन तो जल्दी निकल जाएंगे ना। सामने जो गली है उसके उस तरफ भाई का मकान है, तो एक भाई है मैंने सामने घर के अंदर रहता हूँ उनसे बात की तो वो लेके जाएंगे, वो बोल रहे हैं कि वो घर के अंदर भी रहता तो मिल नहीं पाएंगे भाई, जो भी है देखते हैं। भूपेश भाई इसी के गांव के ये लेके जा रहे हैं उनके घर की तरफ, कॉल लगाए तो उन्होंने लेकिन उठाए नहीं। ओके तो फाइनली देवासी भाई जो है अपन से मिल चुके हैं और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई से, मैंने उनको बिल्कुल पकड़ के बिल्कुल हग किया है कि
5 मिलियन होने ही वाले हैं, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे, और तब तक वीडियो अपलोड होगी भाई के इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे भाई। सच बताना कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आप मिलने आते, आप लोग सपोर्ट करते भाई, मतलब भाई के यहाँ से जाने के अंदर भी मतलब ये ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी भाई मिले मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई पानी पिला दो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाई आपकी मैं वीडियो काफी टाइम से देख रहा हूँ और काफी समय से मैं फॉलो करता हूँ, सच कुछ भी किया, लेकिन तो मैं हर चीज आपकी भावनाओं को समझता हूँ, क्योंकि होता है इतना थोड़ा बहुत आदमी इंसान बिजी होता है वो चीज़, तो मैं आपकी समझ। भाई बहुत अच्छा लगा आप मिलना है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आपकी जो लाइफ की स्ट्रगल है वो उसमें कितना मतलब स्ट्रगल किया है, मतलब काफी टिकटॉक से आपते थे वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी अभी क्या सीन है? बहुत मेहनत की है भाई और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तो बतानी ऐसे ऐसी अफवाह की भाई में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है या सोए गए, तो भाई देवासीप भाई अपने साथ में खड़े हैं एंड बिल्कुल भी एटीट्यूड आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे सामने, एंड काफ़ी लोग आते हैं लेकिन भाई बिजी रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली है भाई, आपको लग रहा होगा कि मतलब ऐसा है ऐसा नहीं है। सारे लोग बोलते हैं भाई एटीट्यूड, अभी मैं आ रहा तो एक बंदे से बात की थी, वो बोला कि भाई बहुत एटीट्यूड है वो वगैरह, तो मेरे को ऐसा लगा था, तो आप कुछ बोलना चाहोगे इनके? भाई लोग कहते हैं और मुझे अच्छा, मुझे मतलब चल कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहते होंगे मेरे को। थैंक यू भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहिए और भाई को भी सपोर्ट कीजिए। क्या प्लानिंग है आपकी? बस कोई प्लानिंग नहीं है, लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे जाएंगे। नहीं, आपको एक्टिंग का बात से तो बोलते ही हैं, लेकिन आगे का क्या प्लानिंग है? बॉलीवुड का प्लानिंग ही नहीं है, प्लान एक्टर्स वगैरह से भी मौका मिलेगा भाई तो अच्छा लगेगा ना भाई, बस यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, उनको भी सपोर्ट कीजिए, बस नहीं बोलना चाहूंगा भाई। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलने। सो मच भाई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, मैं बहुत अच्छा लगा, और जितना मिल काफी है, क्योंकि आप जो वो हो वो हम समझ सकते हैं। मैंने रंग लाई और आप हमसे मिल गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, दिल से बिल्कुल। और सारा जो क्रेडिट है मिलाने का वो रुपेश भाई को जाता है, सुपरस्टार देवासी जो उनके आईडी का नाम है, लेकिन उनका रियल जो नेम है वो दीपेश है, रुपेश नाम है सुपरस्टार देवासी भाई का। ये नहीं होता तो शायद नहीं मिल पाते देवासी भाई, और 2-3 क्लिप्स वगैरह डिलीट कर दी, बट कोई नहीं वो उसके रीजन से की थी। भाई बोल रहे की अब इनके साथ में पड़ा हुआ है 9वीं तक, 9th जो है भाई के साथ में पड़ी, नाइन्थ के बाद में देवासी भाई नहीं पड़ी, नहीं 9th के बाद में देवासी भाई ने स्कूल छोड़ दी थी, और इनके घर के पास में ही वो रहते हैं, इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करी भाई हमारे को, मतलब ऐसे अनजान में मिले थे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम इनको जानते या कुछ भी, जैसे हम गांव के अंदर आए तो मैंने इन भाई को मैंने बोला कि भाई मेरे को उनसे मिलना है, तो उन्होंने बोला 2 मिनट रुको और मैं आता हूँ, और इन्होंने सारा कुछ किया। तो सच में भाई दिल से थैंक यू, फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड भाई के साथ में हम बैठे हैं, और यहाँ पे 2 ऑटो खड़े हैं, तो यहाँ पे कुछ भी गाड़ी वगैरह आती जाती नहीं, एक लारी खड़ी रहती है सिर्फ एक, और उधर तालाब है, ये टंकी पानी की, और ये मंदिर एक, मतलब भाई बता रहे कि एक छोटा सा गांव है, देख सकते हो मतलब बिल्कुल छोटा सा गांव है, एक स्कूल है, एक पानी की टंकी वगैरह, 1-2 रिक्शा आता है सच तक दिन में ना, ये कुर्सी भी अभी लगी, एकदम शांति है, मतलब बिल्कुल। नरेश भाई के साथ में थोड़ी सी बातें करते हैं।